आप समय देख रहे हैं, हम लोग का समय हो गया घर जाने का. तो अनिल एंड मी ऑनेस्टली आर नॉट पार्टी हॉलिक्स, लेकिन जहाँ तक के इधर का सवाल है, आई थिंक वी बोथ आई लव यू. हम लोग को यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा लगता है एंड किशोर इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, चाहे वो हाकासान हो या नारा थाई हो, आई थिंक इट्स ऑलवेज ग्रेट फूड. तो अ ग्रेट डिनर वी आर नॉट गोना मिस, एंड स्पेशली व्हेन इट्स फ्रेंड्स टुगेदर. कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि रवीना कुछ समय से अभी मूवी में नज़र नहीं आ रही है, तो क्या कमबैक फिर से होने वाला है रवीना का कुछ प्रोजेक्ट? देखिए, जब कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है तब मज़ा आता है करने का, एंड मैं ज़्यादातर आई लुक फॉर दोज स्क्रिप्ट्स विच हैव स्ट्रॉन्ग मैसेजेस इन देम. एमई पिक्चरें करने का, हर फ्राइडे अपने आप को देखने का, यू नो, मुझे इतना शौक नहीं है कि कुछ भी साइन कर लो, बस एक पिक्चर आनी चाहिए पर्दे पे. So if there's something good, something that I can do with respect, with dignity, with grace, which suits my personality, I'll definitely do it. But right now, I haven't found any good script yet. इस साल का सबसे ज़्यादा खास अगर मूवी जो आपके दिल को छुई, वो कौन सी मूवी रहेगी? बहुत सारी actually. I like बरेली की बर्फी. Name me more movies. अभी जुड़वा 2 आई है. जुड़वा 2 का remake भी बना है. वो मुझे देखनी है अभी तक, ये दोनों मुझे देखनी है अभी तक. एक्चुअली आई बीन ट्रैवलिंग, तो लेटेस्ट पिक्चरें जो अभी एक 2 महीने में आई है वो मैंने नहीं देखी है, बट उसके पहले का बैच मैं देख चुकी हूँ, जहाँ तक बरेली की बर्फी रिलीज हुई थी वहाँ तक के आई हैव सीन. बट आई बीन ट्रैवलिंग सर नॉट, बट व्हेन आई डू आई फील जब एक क्लासिक बन जाती है. बट आई थिंक जुड़वा 2 हैज प्रूव दैट यू नो दीज फिल्म विल डू फेनोमिनल बिजनेस इफ दे आर मेड अगेन. सो वी कैन कीप आर फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर बने तो बने, ग्रेट, विल बी ग्रेट फॉर द प्रोड्यूसर्स. आई जस्ट फिनिश सीजन 1 फॉर सबसे बड़ा कलाकार, एंड नाउ सीजन 2 विल स्टार्ट आई थिंक अगेन इन द कमिंग ईयर. थैंक यू गाइस.